बादशाह पे उसके निशान फिर उसकी हया दिल ले लिया है ये दिल बोले। हेलो जी, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम एक और एपिसोड लेकर आए हैं 10 पाकिस्तानी सॉन्ग्स कॉपीड बाय इंडिया। बॉलीवुड छापा फैक्ट्री का ये एपिसोड है लेटेस्ट। देखते हैं इसके अंदर कौन से गाने हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बॉलीवुड को करने जा रहे हैं एक्सपोज। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसे गानों के बारे में बताएंगे जिन गानों को ना जाने आप कितने सालों से सुन रहे हैं और यही समझते आ रहे हैं कि ये तो बॉलीवुड ने इतनी मेहनत से बनाया है, इनके सिंगर्स ने क्या सुरीली आवाज में गाया है, लेकिन दर हकीकत वो गाने पाकिस्तान से चोरी किए गए हैं। आज की इस वीडियो में सबूतों के साथ आप देखने के बाद कहेंगे असी तो सोच भी नहीं सकते सा कि बॉलीवुड ने इतने गाने चोरी किए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 1990 में एक इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था आशिकी, और इस फिल्म में राहुल राय का दीवानापन लोगों ने बेहद पसंद किया था। और इस फिल्म का एक गाना जो कि बहुत मशहूर हुआ था, तू मेरी जिंदगी है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये गाना 1975 में पाकिस्तान की मशहूर सिंगर तसव्वुर खानम ने गाया था और 1977 में पाकिस्तानी फिल्म मोहब्बत मर नहीं सकती में लिया गया था। दोस्तों, 1985 में पाकिस्तान की मशहूर सिंगर मसरत नजीर ने एक गाना गाया था, मेरा लौंग गवाचा। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चीरे वाले वेखदाई वे, मेरा लौंग गवाचा। ये गाना बहुत मशहूर हुआ था और इस गाने को 1987 में पाकिस्तानी फिल्म दुलारी में भी लिया गया था। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चीरे वाले वेखदाई वे, मेरा लौंग गवाचा। लेकिन भाई साहब, ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस गाने को इंडिया में कई बार कॉपी किया गया और फिर 1991 यानी कि 1991 में इंडिया के मशहूर सिंगर बाली सागो ने इसको कॉपी करके पेश किया गया। और फिर इसी साल इस गाने को इंडियन फिल्म नागमनी में भी पेश किया गया। दोस्तों, ये बात तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं और मानते भी हैं कि पाकिस्तान के मशहूर सिंगर अली सफर के ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी बहुत चाहने वाले हैं। और जब इन्होंने अपने करियर का स्टार्ट किया तो इन्होंने बेहद धक्के खाए, बहुत मेहनत की, और फिर जब इनका गाना छन्नो रिलीज हुआ तो ये रातों रात सुपरस्टार बन गए। वैसे तो इनके बेशुमार गाने इंडिया में कॉपी हो चुके हैं, लेकिन छन्नो के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था क्योंकि ये गाना बहुत मशहूर था और हर बंदे को पता था कि ये गाना पाकिस्तानी सिंगर अली जफर ने गाया है। लेकिन इस गाने की धुन को भी 2006 की इंडियन फिल्म फाइट क्लब में कॉपी करके पेश किया गया। वैसे इन सबूतों के साथ आप ये सारी चीजें देखने के बाद इस बात पर यकीन जरूर करेंगे कि पाकिस्तानी बहुत टैलेंटेड है। दोस्तों, पाकिस्तानी सिंगर रहीम शाह जो कि हमारे बचपन के बहुत ही प्यारे सिंगर हैं और हम इन्हें बहुत शौक से सुना करते थे, और मैंने अपनी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि इनके भी बहुत सारे गाने इंडिया में कॉपी हो चुके हैं। लेकिन 2003 में जो इनका गाना आया था चन्ना वे चन्ना, और फिर 2007 में एक इंडियन फिल्म आई जिसका नाम था रकीब में इस गाने को कॉपी करके उस फिल्म में पेश किया गया। चन्ना वे चन्ना।
दोस्तों 1990 में पाकिस्तानी सिंगर खलील हैदर ने एक गाना गाया था कि मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहां। इस गाने को फैसल कुरैशी की फिल्म मारवी में भी लिया गया जो सन 2000 में रिलीज हुई थी। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। इस गाने की धुन को भी अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अंदाज में कॉपी किया गया। गाने का नाम था आएगा मजा अब बरसात का। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। दोस्तों 1977 में पाकिस्तानी फिल्म स्टार शबनम और नदीम की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आईना। ये फिल्म बहुत ही सुपर हिट हुई और इसका एक गाना मुझे दिल से ना बुलाना वो भी बहुत मशहूर हुआ और आज तक लोग सुनते हैं। इस गाने की धुन को भी 1985 की इंडियन फिल्म प्यार झूठा नहीं में कॉपी करके पेश किया गया। तुमसे मिलते ना जाने क्यों मुझे दिल से ना भुलाना। वैसे तो ये पूरी की पूरी फिल्म ही पाकिस्तानी फिल्म आईना की कॉपी है लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आपको गानों के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बॉलीवुड की वो फिल्में भी एक्सपोज करूं जो कि पाकिस्तानी फिल्मों की स्टोरी को चोरी करके बनाया गया तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी अपनी राय लिखिएगा। फिल्म स्टार शबनम और नदीम की एक और फिल्म जिसका नाम था बंदिश 1980 में रिलीज हुई थी और इसका एक गाना जो कि बहुत मशहूर हुआ था सोना न चांदी न कोई महल। सोना न चांदी न कोई महल जान मन तुझको सकूंगा। इस गाने की धुन को भी सलमान खान की फिल्म जो कि 1992 में रिलीज हुई थी इसका नाम था एक लड़का एक लड़की उसमें कॉपी करके पेश किया गया। छोटी सी दुनिया मोहब्बत की है मेरे पास और तो कुछ नहीं है लेकिन ये चाह है मेरा चाहत का ऐसा बसेरा सारे जहां में नहीं है खुशियों की दालत यही है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा फिर भी ये वादा है तुझसे तू जो करे प्यार मुझसे छोटा सा घर तुझको दूंगा दुख सुख का साथी बनूंगा। वैसे दोस्तों जब से ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ और जब भी बनाता हूँ मैं हैरान हो जाता हूँ कि बॉलीवुड जो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उनके पास ना तो म्यूजिशियन की कमी है ना सिंगर्स की कमी है। उनके पास अकेडमीज हैं वहाँ पर सिखाया जाता है एक्टर्स बहुत अच्छे हैं राइटर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके बावजूद वो हमारे गानों की धुन कभी चुराते हैं कभी वो शायरी चुराते हैं कभी तो पूरा का पूरा गाना गा कर कहते हैं हमें ये ख्वाब में आया था। खैर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं लेकिन अगली वीडियो में मैं आपको एक और हैरान कुन बात बताने जा रहा हूँ जिसमें मैं बॉलीवुड की उन फिल्मों को एक्सपोज करूंगा जिनकी सारी की सारी स्टोरी पाकिस्तानी फिल्मों की स्टोरी से बिल्कुल मिलती जुलती है बल्कि सेम टू सेम है मतलब सारी की सारी कहानी को चोरी किया गया है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे कि यार क्या उनके पास राइटर्स की कमी है या फिर हमारे राइटर्स बहुत अच्छे हैं। ये बात तो मानने वाली है कि हमारे राइटर्स हमारे सिंगर्स वाकई ही बहुत कमाल के हैं जिनके पास ना तो अकेडमीज हैं ना कोई सिखाने वाले हैं लेकिन उसके बावजूद वो इतना अच्छा गाते हैं कि हमारे गाने बॉलीवुड तक मशहूर हो जाते हैं। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत रिसर्च करनी पड़ती है तब जाकर ये गाने मिलते हैं तब जाकर हम इनको मैच कर पाते हैं सारा कुछ करने के बाद आपकी खिदमत में पेश करते हैं। और अगर आप इसे शेयर नहीं करेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय नहीं देंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़। होती है यार अब तो यही लगने लगा है इतनी सारी कॉपी 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 देख कर चलो धुन कॉपी कर लो तो चलता है लेकिन लिरिक्स का मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो जाता है यार लिरिक्स पूरे पूरे कॉपी गाने का सुर ताल
यार हद हो गई है वो पुराने गाने के साथ साथ पुरानी मूवियाँ भी, ओ हो ये बता रहे थे पुरानी मूवियाँ भी कॉपी हो रखी हैं भाई। मिथुन की जो मूवी अभी दिखाई थी उन्होंने जिसका गाना बता रहे थे, वो पूरी मूवी कॉपी है, पूरी स्टोरी उठाई गई है, मतलब 20 30 40 50 पता नहीं कितने साल पहले। आप सोच सकते हैं कि तब क्या था भाई, तब तो सब कुछ नया नया था, इंडस्ट्री भी नई थी, इतना ज़्यादा कंटेंट ही कंटेंट था कि यार ये स्टोरी बना लो वो स्टोरी बना लो, तब तो कॉपी नहीं करना चाहिए था। आज मानते हैं कि हाँ कंटेंट की कमी है, चोरी वोरी ज़्यादा चल रही है, तो यार उस टाइम में भी कॉपी, अब तो डर लगता है गाने सुनने में यार कि कहीं ये गाना कॉपी ना निकले, अगर कॉपी निकलेगा तो बुरा लगता है यार। ओरिजिनल चीज़ सुनना पसंद होता है ज़्यादातर लोगों को कि यार ये हमारे उस सिंगर ने गाया है, उस कंपोज़र ने बनाया है, उस म्यूज़िशियन ने इसमें म्यूज़िक दिया है, तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं भाई। जब आप सुनते हो कि ये गाना तो मैंने बहुत सुना था अपने टाइम में और ये अब आकर पता चलता है कॉपी है, दिल टूट जाता है यार। ओरिजिनल बनाओ, ओरिजिनल लेकर आओ, टैलेंट है लेकिन आसान रास्ता क्यों चुनते हो यार। पाकिस्तान में नो डाउट बहुत टैलेंट है, अली ज़फ़र के गाने कॉपी हो रखे हैं, बहुत सारे सिंगर्स के कॉपी हो रखे हैं, तो बॉलीवुड कुछ करो, अब हद हो चुकी है। सुन सुन के कानों से खून निकलने लगा है कि यार ये गाना भी कॉपी, वो गाना भी कॉपी। बाय।